तो वो वहाँ पे भैया की शॉप है जहाँ पे हमें जूस पिलाया था उन्होंने, और ये उन्होंने एक शॉर्टकट और बताया। हम उस शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं और हम उधर कहीं वहाँ पे कहीं निकलेंगे। हम उधर ऊपर खंबा दिख रहा है, मतलब कि दो पहाड़ों के बीच में। इधर से वैसे बाय रोड 22 किलोमीटर है, बाकी देखते हैं। क्योंकि वो जो बाय रोड है ना, वो उधर से ऐसे घूम के वहाँ से फिर पीछे से ऐसे आएगी और हम डायरेक्ट इधर से ऐसे ही पहुँच जाएंगे, तो इसलिए हम ये शॉर्टकट ले रहे हैं। B1 से आया था वो कैफे वाले भाई ने, मतलब वो जो जो भी था, और यहाँ की बारिश होगी और सामने देखो मौसम बदलने लगा है, और मुझे डर लग रहा है कि हमारे पहुँचने से पहले बारिश ना हो जाए, तो जल्दी चलते हैं तो यार। भाई ऐसी बारिश तो भी दिक्कत रहेगी, हम रुक कभी रही भी है टेंट लेकिन लगा के बैठ अचानक से जाएंगे। ना इतनी ज़्यादा बादल लग गई है। इसमें भी चलना हो तो मेरे पास रेनकोट, पोचू, दोनों चीज़ें हैं, और ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास इसके लिए भी एक रेनकोट है डिस्पोजेबल, और इसके पास बैक कवर है, तो ज़रूरत पड़ी तो टेंट भी लगा सकते हैं, और बारिश में चलना हुआ तो रेनकोट भी पहन सकते हैं। जबकि जब देखी जाएगी, आधे घंटे तक कुछ नहीं होगा। चलते एक हैं। घंटे का समय तो होगा ये ना। भीड़ मैंने देखी, सारी कोने कोने ये में देखिए चिपकी क्या रहती सबके है। पास ये बांस देखो, पतले भाई, हम गलत आ पतले गए हैं। हैं। सही है। एक रास्ता उधर गया, एक रास्ते उधर गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके हम इधर आए। तो अब यहाँ से एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, तो इधर कौन सा करेंगे? इधर सीधे चले, पक्की सीधा चले? पक्का? बात। सुनो आप डिसाइड तो किया है कम इस रास्ते पे जाने के, से लेकिन कम इस यहाँ से रास्ते दो पे घंटे लगते हैं। हर जगह और कांटे बाइक ही का कांटे काम तो हैं। हमने डिसाइड कर कि इस रास्ते पे चलेंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे। समझ और नहीं इस आ रहा रास्ते कैसे पे करूँ। कांटे हैं भाई, ये देखो आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। और नुकीले असली कांटे, ये रख इधर देना साइड से आ पकड़ना जा, मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई साइड से, साइड से, साइड से। साइड से। एक बात बता, बोल। ये रास्ता ऊपर से सब ठीक रहेगा? अबे भाई इस रास्ते में तो पूरे पे कांटे ही कांटे हैं। अरे ये रास्ता देख, ये मुझे चलता फिरता रास्ता लग रहा चल चलते कहीं तो पहुंचेंगे, वापस जा रहे हैं उसी रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते में इतने कांटे देखे हैं मैंने कि चलना मुश्किल हो जाएगा। वही सब फट रही है एकदम। भाई। ये बाबूजी कह रहे हैं मुझे हाइट का फोबिया था, सब ठीक हो गया। नीचे लोकेशन देखो, वो सच्ची में मुझे हाइट का फोबिया सड़क है, जा रही है, वो ये यहाँ से नीचे और मेरा दिल जानता है मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे सह रहा हूँ इसको। से आके घूम के आ। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं नीचे गिर जाऊंगा इस तरीके से ये नीचे। भाई हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रखा है हमने, जैसे तैसे चल रहे हैं बस। हमने आधे घंटे रेस्ट किया और अब चलते हैं आगे की तरफ। ये बादल भी बादल चढ़ने सामने लगे आ हैं, गए, देख रहे आप हो लोग नहाए हैं यार। मेन रोड से प्यारा और मस्त रास्ता ये है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। जो ट्रैकिंग लवर्स हैं वो ऐसे ट्रैक करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं मेरी तरह, मज़ा आ जाएगा। शायद रोड है आगे सामने दिख रहा सामने भी है इधर से वो सामने। हाँ देखो हम रोड पे पहुंच गए फाइनली, बियर गिल्स वाला फील आ रहा है। रोड पे आ गए, रोड पे भी अब तक हमें कोई नहीं दिख रहा, वहाँ पे भी हमें कोई नहीं दिखा, पीछे से आ रहे हैं लोग, देखते हैं लिफ्ट करके। नहीं टैक्सी। तो ये जो रास्ता है वहाँ से ऐसे जिग-जैग वहाँ पे जा रहा है रास्ता, वहाँ पे काली टॉप भी आ गए, और हमें मुंशियारी उसके पीछे फिर ढलान पे उतरना है। तो हम सोच रहे हैं यहीं से अगर ऐसा कुछ मिल जाए जो सीधे ऐसे चढ़ जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट तो मिल नहीं रही है, पैदल ही जाना है, तो जिगजैग के बजाय ऐसा ही कुछ मेहनत कर लेंगे। चलते हैं। मेरे सामने से गाड़ी गई थी तो वो ये रास्ता इधर भी नहीं है, वो गाड़ी ऐसे घूम के फिर वहाँ से उन पहाड़ों में से होते हुए यहाँ से जाके फिर वहाँ पहुँची। तो इसका तो इतना पता लग गया कि मेन सबसे टॉप वाला रास्ता वो है। तो हम ऐसा करते हैं, वो पत्थर दिख रहे हैं वो पत्थर पकड़ के चढ़ सकते हैं, इधर से ज़्यादा खड़ी है तो नहीं चढ़ पाएंगे, तुम ये रास्ता पकड़ते हुए जाके देखना भाई, फिर उस पत्थर से होते हुए जाएंगे। बहुत ऊपर तक आ गए हम लोग। बाय रोड देखा जाए तो हम वहाँ थे और यहाँ तक आ गए हैं, वैसे तो हम बहुत नीचे से आए हैं, और ये पीछे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, और यहाँ थोड़ा रेस्ट करने रुके हैं।
ऊपर से तो हमें आती हुई इक्की दुक्की सी दिख जाती है गाड़ी, नीचे से ऊपर जाती हुई हमें दो चार टैक्सी ही दिखी है बस अब से। और वो सामने एक नया शॉर्टकट, एक दो दो चढ़े हैं ना, दो है ना, तीन तीन शॉर्टकट और लगा देंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे। हम वरना अगर पैदल रोड बाय रोड जाते, यूँ फिर घूम के पीछे ये वाला, फिर उसके बाद ऐसे बहुत देर घूम के फिर ये, अभी हम ऐसे जा रहे हैं जिस तरीके से मारना होता है। इधर देखो सराख देने से नीचे जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस फिर आज पहली बार था। मैं 11 बजे से निकला हूँ, थोड़ा लेट भी निकले थे वैसे, हम 6 बजे निकल जाते हैं, 6-7 बजे तक, आज 11 बजे निकले और लगभग 3 बजने वाले हैं जब से हम पैदल ही चल रहे हैं पहाड़ों के बीच बीच में से। और जाते हुए एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, मुश्किल से एक दो दिखी थी हमें शुरुआत में, तब से हमें कोई गाड़ी नहीं दिखी, सिर्फ टैक्सी दिखी थी एक दो, जाते हुए तो बहुत सारी दिख रही हैं। बाकी वहाँ पे रहने का एक स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने अरेंज कर दिया शायद स्कूल में ही, और खाने का भी देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। ये ये कह रहा शॉर्ट कट है कि लॉन्ग कट है, साला खत्म ही नहीं हो रहा, ये रूट का है नहीं खत्म होता है। चलते चले जा रहे हैं, चले 11 बजे से कहीं ज्यादा रुके नहीं, किसी को फोन करना पड़ेगा, अपनी दास्तां बतानी पड़ेगी, वो भी क्या। चल रो दूंगा मैं, चल वरना रो दूंगा, जल्दी चल, हम जाएंगे ना घर पे। हाँ, नाम मतलब कुछ खाने पीने का नाम मत ले लियो, कुछ चला के मार दूंगा, कुछ कुछ गोलगप्पे खाएंगे मस्त, चटकारे मार के चटपटा करके एकदम, और समोसे खाएंगे छोले डाल के, और कचौड़ी आई हाय, प्याज व्याज दही वही डाल के, आहा, और लास्ट में जलेबी या गर्मा गर्म एक वरना एक रायता आया है एक वाला, बूंदी डाल के मस्त तड़का वड़का लगा के, मजा आ जाएगा। पानी तो बचा नहीं, पानी तो बचा नहीं, सारा खाना कहाँ से खाएगा तू भाई साहब, दिमाग खराब हो गया भैया, खत्म हो जाओ, अब हार मान चुके हैं तो। अभी देखो दो, अबे हमें तो नीचे से दो ही दिख रहे थे, एक दो तीन, तीन अभी और है उसके बाद देखो, सबसे बड़ा वाला यही था। हाँ सबसे बड़ा यही था, इसे हम बहुत लंबा चले, नहीं नहीं भाई ये नहीं था, सबसे बड़ा वाला था तो वो था जब हमने वहां से पकड़ा था, नहीं नहीं जब से वहां बैटरी गिना हमने भाई थकान में ना पागल हो जाता इंसान, बिना बात की हंसी आ रही है ना, ना तो अभी तक हम लोग मुंशियारी होते। ऊपर वाली सड़क पे पहुंच गए हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज गए। ओ उधर वहाँ उस पहाड़ से हम चले थे ऐसे 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 ऐसे, फिर ये पहाड़ इस तरीके से चलते हैं, इधर घूमते हुए ऐसे ऐसे। पहुँचे अब थोड़ा ऊपर और जाना है, उसके बाद नीचे नीचे उतरना है, चलते हैं। और देखो इधर मौसम ख़राब हो रहा, थोड़ा सा बारिश होगी कल। हम टॉप पे आ गए हैं फाइनली, उन पहाड़ों की जो हमें नीचे से दिख रहे थे, और ये रहा कालामुनि टेम्पल, कालामुनि फाइनली हम पहुंच गए, बड़ी अब जाके थोड़ी बसावट सी दिख रही है हमें, और तब से तो पहाड़ों के बीच बीच में चल रहे थे। टैक्सी आ रही है, ये तो लिफ्ट लेंगे नहीं, पहाड़ों के उसी तरफ जा रही है, इस तरफ है ठंड, इस तरफ बहुत ठंड है ना, अभी जैकेट निकाल के पहन लेंगे, सर में भी दर्द होने लगा, शायद यही है कालामुनि टेम्पल, देखते हैं। आवाज़ भी आ रही है ना, ऐसा था पहाड़ों के बीच में एक सुरंग सी मान लो, तो उधर हवा बहुत तेज थी, इधर नहीं है, उधर की भी प्रेशर से हवा जा रही थी, एक ही होल से कह सकते हैं। और ये अब ढलान है तो भाई अब झेल लेंगे, चल देंगे कंटिन्यू, बिना रुके बिना थके बिना 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 बिना। देखिए ये देखो
एक पिंक पिंक टाइप के से, पिंक क्या कुछ वाइट टाइप के से ब्रांच के फूल हैं। और पीछे हमें एक ढाबे पे अंकल मिले थे, वो कह रहे थे यहीं टेंट लगा लो, यहीं रेस्ट कर लेना, तो हमने ऐसा नहीं किया। और क्या कहते हैं कि हमें अमन शहरी पहुँचना है, कल बारिश भी हो सकती है ना इसलिए। और सामने पूरा ध्यान से हल्का बहुत दिख रहा होगा, तो ओवर एक्सपोजर हो रही है वीडियो, पिंक पिंक फूलों के पहाड़ हो रहे हैं ज़्यादा ही, मतलब वहाँ अच्छे से दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं। और यहाँ से उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर आगे एक हनुमान मंदिर है, वहाँ से एक और शॉर्टकट है, यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है मुनस्यारी, बाकी चलते हैं हनुमान मंदिर से देखेंगे पीछे। खा लिया, निकल गया मैंने तो फूल खिलाया, मैंने मुंह में रखा था, मैंने कहा तू भी खा, क्या रखा हो, ये निकल गया, मैंने थूक दिया, क्या स्वाद क्या था क्या स्वाद था कैसा था, मैंने मैंने पूछा ही नहीं, ऐसे मुंह में रखा था बीचों बीच। हेलो भूमिहार, मैं भी हूँ, तू भी है। वो दिखाता हूँ तो तुम्हें, वो वहाँ पे ये जगह दिख रही है ठीक, इस जगह पे ना वहाँ पहुँचना है हमें, और इधर से ऐसे घूम घूम कर वहाँ पहुँचना है। छोटी छोटी गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही है वहाँ पे, बताओ बताओ भैया कितना पैदल चलना है। हम एक झरने के पास, छोटा सा झरना, पहुँच चुके हैं। जल जीव जंगल सदा कर मंगल, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और अब यहाँ से हम भरेंगे पानी और पियेंगे पानी। इधर एक और वाटरफॉल पड़ा, और एक टूटा फूटा सा ब्रिज जो कि मेन ब्रिज है, और यहाँ हर रास्ते में मुझे लग रहा है वाटरफॉल मिलेंगे। और यहाँ ठंड भी है, ठंड लग रही है यहाँ पे, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, होगा नहीं बहुत ज़्यादा। वहाँ देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। अरे भाई अगर सही अच्छी गर्मी वर्मी सी होती ना तो यहाँ कोई मस्त नहा सकता था, हमारे बस की तो नहीं है, अब लगी लग रही है, अब नहा के गए थे और हम पर टाइम भी नहीं है। एक फ़ोटो खींचते हैं ना, हम यहाँ पे लिफ्ट मांग ही नहीं रहे बाइक से, क्योंकि इसको मिले बहुत देर में एक बाइक, कभी सुबह से हमें सिर्फ दो बाइक दिखी है, और दो दो क्या एक खाली गाड़ी, क्या यहाँ पे अकेले खाली गाड़ी तुमने बैठा है, साथ साथ चलते रहते हैं। यहाँ से ऊपर चारों तरफ रेड रेड ब्रांच के फूल, जो देखो इधर का एंड मौसम साफ होता, धुंध नहीं होती है, आग की जो जंगल में आग लगती है उसकी, तो हिमालय देखते हैं उधर से और चलते हैं। हम वो दिख रहा है वो वी शेप बनना है, वहाँ से आए हैं, 1 घंटे हो गए हम यहाँ पे आते आते, और यहाँ पहुँचे धुंध हो गई, 4 बज गए हम पे, हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे पहुँचने कैसे भी, अंधेरा हो जाएगा उसके बाद। शायद बाघ बाघ ने मार दिया होगा इसे, बाघ बाघ होते हैं, खाता 2 जगह छेद तो हो रखा था उसके। नीचे से आवाज देख, ध्यान से चुप चुप, भाई तू रुक रहा है, चुप तो। पहली लिफ्ट मिली जब से हम पैदल ही चल रहे थे, फाइनली लिफ्ट मिल गई। छोड़ दे ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे हम अभी हेलीपैड पर उतर गए हैं, भैया ने हमें लिफ्ट दी थी, राजू बांगती मुसियारी, हाँ भैया ने, वो जो हम एक भाई से बात हुई थी होटल में रुकने के लिए, तो उनसे भी भैया ने बात कर ली, और वहाँ पे मतलब डिनर और रुकने का इंतज़ाम भी कर दिया। वो शायद वहाँ पे पाइन हुड होटल है, हाँ वहाँ पे अरेंज हो गया है। बाकी थैंक यू भैया, हमें जब से कोई लिफ्ट मिली नहीं थी तो ये पाइन वुड है आज यहाँ पे, द पाइन वुड। तो थल में हमें साइकिल से जो भाई ट्रैवल करते हैं उन्होंने यहाँ पे स्टे के लिए बात करी थी हमारे, और मतलब कि अरेंज किया, और वो जो भैया थे
उन्होंने जो जिन्होंने लिफ्ट दी थी वहाँ पे भी यहीं बात करी था। यही भाई है। चलो भाई तो अभी यहाँ पे पाइनवुड में चाय पी रहे हैं। ये यहाँ का उस लोकेशन ऊपर की कैफे की, उसके बाद अभी रूम में जाएंगे थोड़ी देर में। तो जहाँ हम अभी आज का हमारा स्टे है पाइनवुड, उसका रात का व्यू देखो कितना मस्त है यार। और यहाँ का थीम बहुत ही बढ़िया है। इधर काउच लगे पड़े हैं वो बैठने के लिए, वो वहाँ पे ये यहाँ पे आर्ट, और वहाँ पे वो लिखा पड़ा है जहाँ पे शीशे की जगह लिखा पड़ा है तुम ब्यूटीफुल हो, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। आज का हमारा आशियाना ये सामने वाला कैफे ही है। बाहर से भी आउटस्टैंडिंग और अंदर से भी आउटस्टैंडिंग, एकदम सेक्सी।